मोनालिसा एक ऐसी पेंटिंग जो अपने अंदर इतने रहस्य छिपाए बैठी है कि किसी के भी होश उड़ा सकती है। इसे ही दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग कहा जाता है। इसे 1962 में 10 करोड़ यूएस डॉलर्स में बेचा गया था, यानी 2019 में 85 करोड़ यूएस डॉलर्स के बराबर। इसे अपने समय के जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने 1503 से 1506 में बनाया था। लियोनार्डो दा विंची को एक जीनियस कहा जाता है क्योंकि वो अपनी पेंटिंग्स में ऐसे राज छिपाकर रखते थे जिसे एक अक्लमंद ही समझ सके। उन्हें ही ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मोनालिसा पेंटिंग में ऐसा क्या है जो इसे सबसे महंगी पेंटिंग बनाता है। तो वो है इसमें छिपे संदेश और रहस्य जो अब तक पूरी तरह से समझे नहीं जा सके हैं। कहा जाता है इस पेंटिंग में जो औरत है वो उस समय की नोबल वुमेन लीसा गिराडिनी थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि लियोनार्डो ने इसमें अपनी मां का अक्स भी उभारा है जिनकी मौत कुछ समय पहले हुई थी। लेकिन कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने यह ढूंढा कि लियोनार्डो की तस्वीर को अगर मोनालिसा के साथ मिलाया जाए तो दोनों के चेहरे का मिलान होता है। तो क्या लियोनार्डो ने इस तस्वीर में खुद की आकृति को भी उभारा था? इसका पूरा पता अभी भी नहीं लगाया जा सका है। इस पेंटिंग को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसकी राइट आंख में LV लिखा हुआ पाया गया, जिसका अर्थ शायद लियोनार्डो दा विंची होगा। इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब इस पेंटिंग को स्पेक्ट्रालाइट टेक्नोलॉजी से देखा गया, इसमें इटालियन भाषा में लिखा हुआ पाया गया, जिसका मतलब था द आंसर इज हेयर। इसके बाद ही वैज्ञानिकों की रुचि इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लियोनार्डो जैसे जीनियस अपनी पेंटिंग में उस समय की बड़ी सच्चाइयां लिखते थे। तो आखिर वो ऐसा क्या सच बताना चाहते थे? इस पेंटिंग में मोनालिसा की स्माइल भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आप मोनालिसा के चेहरे के भाव को समझ नहीं पाएंगे। कभी तो आपको एक हंसी का भाव नजर आएगा तो कभी एक उदासी। ये एक ऐसा भाव है जिसे समझा नहीं जा पाया है। कहा जाता है कि जब दा विंची ने ये पेंटिंग बनाई थी उसके बाद से ही वो इसे हर वक्त अपने साथ रखते थे। जहां भी जाते इसे अपने साथ लेकर जाते। वो इसे किसी और को भी देना नहीं चाहते थे। लेकिन आखिर इसमें ऐसा क्या था जो वो किसी के पास जाने नहीं देना चाहते थे? बाकी पेंटिंग्स की तरह उन्होंने इस पर साइन भी नहीं किया, ना ही इसे बनाने की डेट लिखी। आज वैज्ञानिकों ने इस बात का पता भी लगाया है कि इस पेंटिंग को 3 बार बनाया गया है, वो भी एक के ऊपर एक। इसलिए इसके नीचे भी कई रहस्य हो सकते हैं जिसे शायद भविष्य की तकनीक से ही ढूंढा जा सके। लेकिन ये बात तो सच है कि दा विंची की सोच तो उस समय से बहुत आगे थी। साल 2015 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वेबसाइट ने दावा किया कि इस पेंटिंग में एलियन प्रेजेंस है जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया है। इस पेंटिंग को ओपोजिट डायरेक्शन में जोड़ने पर एक एलियन जैसी आकृति नजर आती है, और ये वहीं पर नजर आती है जहां पर वो कोड लिखा है द आंसर इज हेयर। तो क्या दा विंची सबको ये बताना चाहते थे कि एलियन धरती पर मौजूद हैं जिसे उस समय के लोग समझ नहीं पा रहे थे? इससे पहले की कई पेंटिंग्स में भी UFO को दिखाया गया है जिसे समझा नहीं जा पाया, लेकिन दा विंची का मैसेज और एलियन तस्वीर का होना शायद किसी तरफ इशारा करता हो। आपको क्या लगता है, सबसे बड़ा जीनियस आखिर हमें कौन सी बात बताना चाहता था? कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही दुनिया की और रहस्यमय पेंटिंग्स के बारे में बताने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।